स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के मैरीगोल्ड के यूनिट वन को। और ये जो है ये पोयम, जैसे कि हम अपने यूनिट वन में बात करें तो सारे यूनिट में दो दो पोयम दिए गए हैं, तो हमने एक पोयम को डिस्कस कर रखा है और हम दूसरे पोयम को अब डिस्कस करते हैं। द मैजिक गार्डन, ये पोयम का नाम है। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड, यानी कि जो मैजिक गार्डन था वो एक स्कूल के प्ले ग्राउंड में था, यानी कि मैदान में था। ही वॉज वेरी प्रिटी, यानी कि वो बहुत ही सुंदर था। सनफ्लावर एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल, और जो सनफ्लावर और जो रोजेस थे वो दीवार से लगे हुए खड़े थे। देयर वेयर ऑल्सो मैरी गोल्ड पोपीज एंड पेंसिल्स, और वहाँ पे मैरी गोल्ड पोपीज और पेंसिल्स भी थे। द सन शाइन फेल ऑन द गार्डन मोर देन ऑफ एनी अदर एंड द फ्लावर डांस्ड एंड सेंग हैप्पीली, और जो सूरज का प्रकाश था वो सबसे ज्यादा उस गार्डन पे पड़ता था, कोई भी पार्ट पे नहीं पड़ता था, थोड़ा थोड़ा ही पड़ता था। दिस सेड टू वन एनदर, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, और फिर जो फूल थे वो बोलते कि हमारे पास 100 माली है। तो जो फ्लोर मतलब जो सनशाइन था वो सबसे ज्यादा फ्लावर्स पे पड़ता था उस गार्डन पे, और जो फ्लावर्स थे वो खुश होके नाचते थे और गाना भी गाते थे। तो ये हमने जान लिया। फिर जो फ्लावर्स थे वो बोले कि हमारे पास 100 यानी कि 100 माली है। दे वेयर द चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल, और वो बच्चे हैं स्कूल के। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर वेयर टॉकिंग टू द बर्ड, आई लव ऑल द चिल्ड्रेन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सेड अ पॉपी। यानी कि सुबह का टाइम था और जो फ्लावर्स और जो बर्ड्स थे वो दोनों बात कर रहे थे, और फिर जो पॉपी का फ्लावर था वो बोला कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें जो छोटे बच्चे होते हैं वो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन एंड वाटर माई ट्रस्टी रूट्स, मैं उन्हें इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वो वाटर कैन में हमारे प्यासे रूट को पानी देते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। यस सेड द मैरीगोल्ड, द बॉय आर गुड टू अस टू दैट डिड द ग्राउंड सो वेल। फिर जो मैरीगोल्ड का फ्लावर था वो बोला कि हाँ, जो बॉयज होते हैं वो जमीन को अच्छे से खोदते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। फिर है वी लव द लिटिल चिल्ड्रेन सेड द टाइनी बर्ड, और फिर जो एक छोटी सी बर्ड थी वो बोले कि हम छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, और वो दयालु है और वो हमारे लिए ब्रेड लेके आते हैं। ऑल द फ्लावर्स सेड We must work hard to make our dresses very pretty for the children will be here soon. फिर जो फ्लावर्स थे वो बोले कि हमें और मेहनत करनी चाहिए अपने ड्रेसेस को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि जो चिल्ड्रेन यानी कि जो बच्चे हैं वो आने ही वाले होंगे। द सन सेड आई विल हेल्प यू ऑल्सो फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर देन to see the children running about in the garden sunshine. यानी कि जो सूरज था वो बोला कि मैं भी तुम लोग का हेल्प करूँगा, क्योंकि जो बच्चे खुश होके आएंगे तो उनका जो आवाज़ है वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। Suddenly the children came out laughing and singing and the flowers stopped their song to listen to them. फिर अचानक से जो बच्चे थे वो हंसते और गाना गाते हुए आ गए, और जो फ्लावर्स थे यानी कि फूल थे सारे वो अपना गाना गाना बंद कर दिए और बच्चों का आवाज़ सुनने लगे। ओह लुक एट द टॉल सन
sunflower, said one child, and the sunflower lifted its head very proudly. और एक बच्चा बोला कि वो देखो उस बड़े से सनफ्लावर को, एक बच्चे ने बोला, और जो सनफ्लावर था वो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ उसको, और फिर वो अपना सर जो था वो और लंबा कर लिया. Another child said, I love the marigold. In its garden, golden dresses. The marigold smiled happily. फिर एक बच्चे ने बोला कि मैं मैरीगोल्ड को पसंद करता हूँ, और उनके ड्रेसेस देखो जो है वो गोल्डन कलर की है, और मैरीगोल्ड बहुत ज़्यादा खुश हुआ उसको, मैरीगोल्ड जो था वो बहुत खुश हुआ. फिर है, इट वॉज इंडेड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हिज हार्ट फेरीज टू. यानी कि ये मैजिक गार्डन इसलिए है क्योंकि इसमें फेरीज भी है, यानी कि परियां भी है. तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. फिर हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं कि न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं. मैजिक यानी कि जादू, गार्डन यानी कि मैदान, गार्डनर यानी कि माली जो गार्डन का ध्यान रखता है, प्लेग्राउंड यानी कि खेलने वाला जगह, सनशाइन यानी कि सूरज का प्रकाश, गोल्डन और गोल्डन यानी कि मैरी, और फिर ड्रीमिंग, ड्रीमिंग यानी कि सपना देखना. तो ये हमने देख लिया. फिर यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम इस क्वेश्चन को जान लेते हैं. व्हाई डिड द फ्लावर लव्स द लिटिल चिल्ड्रेन, मतलब जो बच्चे थे वो, मतलब जो फ्लावर्स थे वो बच्चों को क्यों प्यार करते थे. व्हाई डिड द बर्ड लव द चिल्ड्रेन, जो बर्ड थी वो बच्चों को क्यों प्यार करती थी. नेम फाइव फ्लावर ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन, और मैजिक गार्डन में जो भी फाइव फ्लावर्स थे यानी कि जितने भी फ्लावर्स थे उसमें से आपको फाइव फ्लावर्स का नेम लिखना है. व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रेन हियर इन द गार्डन, यानी कि बच्चे कौन कौन से आवाज सुनते थे गार्डन में. तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक. इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है. इनफैक्ट हमारा जो यूनिट वन है ये कंप्लीट होता है. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.